डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिली जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा, तो भड़की न्यूज एंकर रोमाना इसरार खान हुई बुरी तरह ट्रोल। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राम रहीम को 7 फरवरी को जेल से रिहा होने के बाद उच्च श्रेणी का सुरक्षा कवच दिया गया है, क्योंकि खालिस्तान समर्थक तत्वों से उनके जीवन को उच्च स्तर का खतरा था। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को 7 फरवरी को रिहा कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से रोहतक रेंज के आयुक्त को हाल ही में भेजे एक संदेश में कहा गया है, यदि कैदी को पैरोल पर रिहा किया जाता है तो मौजूदा नियमों के अनुसार जेड प्लस सुरक्षा या समतुल्य सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, क्योंकि कैदी को भारत और विदेशों में कट्टरपंथी सिख चरमपंथियों से उच्च स्तरीय खतरा है। सोशल मीडिया पर इस खबर के आने के बाद लोगों में काफी विरोध देखने को मिला। इनमें सबसे ज्यादा जो प्रतिक्रिया सुर्खियों में आई है वो एबीपी न्यूज एंकर रोमाना इसरार खान की है। रोमाना इसरार खान ने हरियाणा सरकार के इस फैसले पर जो कहा, उसके बाद लोगों ने उन्हें ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। एबीपी न्यूज एंकर रोमाना इसरार खान अपने ट्वीट में लिखती है, बलात्कार के दोषी को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा, इससे ज्यादा महिला विरोधी फैसला और क्या होगा। एबीपी न्यूज एंकर के ट्वीट के बाद लोग पक्षपात वाली पत्रकारिता का आरोप लगाते हुए लगातार टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, कौन सा देश का नाम ऊंचा कर रहा है दुनिया में जो देशवासियों के पैसों की सुरक्षा दी जाए उसको। वैसे अपराधी के साथ 2 हवलदार लगा देना चाहिए देश की गृह मंत्री जितना सुरक्षा एक अपराधी को। एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, तो इस महिला विरोधी फैसले पर आप डिबेट बहस शो करेंगी, पूछेंगी सवाल उनसे जिसने सुरक्षा दी है बलात्कारी को। एक और सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, इतना गलत फैसला लेने की हिम्मत आती कहां से है। मोदी जी को पता है कि चाहे जितना गलत हो जाए, गोदी मीडिया उसको सही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और अंधभक्तों को फौज में कमी नहीं आने देगी, जिसमें आपका भी बड़ा योगदान रहा है, तो अब आश्चर्य क्यों। एक और सोशल मीडिया यूजर ने आरोप लगाते हुए लिखा, आप तो ताली बजाते रहिए क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा और एजेंडे पर हमेशा काम करती रहती है। एक और सोशल मीडिया यूजर ने अपने ट्वीट में लिखा, अगर हिम्मत है तो सत्ता से सवाल पूछिए, डिबेट कीजिए, लेकिन ये सब आप लोग करेंगी नहीं। एक ट्वीट कर दिया, हो गई जिम्मेदारी पूरी। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट आप तक पहुँचती रहे।